आप आईएएस के हिंदी 812 डिस्कशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं, आर्टिकल थोड़े कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन देखते हैं 6 आर्टिकल आज जिसमें से ही हम आज बात करते हैं कि इसमें से हालांकि इम्पोर्टेंट अपने जो है तो इसमें 3 आर्टिकल जो है तीन ही हैं, है ना। टॉपिक तो 3 ही है लेकिन आर्टिकल भले ही 6 हैं। ये देखते हैं कि इसमें से जो पहला आर्टिकल है तो यह है रोज़गार संकट का संकेत, है ना। ये आर्टिकल अपना बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, तो इसके बारे में हालांकि हम लोगों ने अपने जो पिछले 812 डिस्कशन में भी हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था, है ना, कि किस प्रकार से जो है तो मतलब कि युवा वर्ग जो है तो मनरेगा जैसे रोज़गार के अवसरों के कमी कारण मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर है ना, और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से जो बेरोज़गारी का स्तर कितना ज़्यादा हाई है ना, और वहीं मंदी की स्थितियाँ देश में मतलब कि और भी ज़्यादा गंभीर संकट उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार के मतलब हमने इस बारे में काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया, तो इसी से संबंधित ये जो है तो रोज़गार संकट का संकेत, तो इसमें भी कुछ नए पॉइंट जो है तो इसमें मतलब रेज किए गए हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहीं अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा तो ये है बगदादी की मौत के मायने, यानी कि जो भी हाल ही में जो आईएसआईएस का जो सरगना है मारा गया है ना, अमेरिका के द्वारा मारा गया है, जो कि इदलिब शहर में, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पास डिस्कस करता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। और साथ ही साथ ही जो है तो अपना दैनिक जागरण का आर्टिकल भी इसी मामले में है कि बगदादी का जो है से रिलेटेड, वही हिंदुस्तान का आर्टिकल भी इसी। तो हम इन तीनों आर्टिकल को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, है ना। और वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल माना जा सकता है इसको, क्योंकि ये जो कश्मीर पर पाकिस्तान का खेल ख़त्म, ये जो है तो वेद प्रताप वैदिक जी का आर्टिकल है, बहुत ही बेहतरीन मतलब ये लिखते हैं, है ना। और ये काफ़ी मतलब कि जो भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो मतलब कि बहुत ही बेहतरीन इनके आर्टिकल हुआ करते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत पाकिस्तान के जो किस प्रकार के संबंध हैं, कहाँ कहाँ, जैसे किस प्रकार पाकिस्तान जो है तो मतलब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी भारत के उस पर, तो इससे संबंधित पूरा उन्होंने मतलब कि इस बारे में डिस्कस किया। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो हम चलते अपने आर्टिकल की तरफ, जिसमें से हम पहला आर्टिकल की बात करें कि यही है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का खेल खत्म संबंधी वेद प्रताप वैदिक जी का आर्टिकल है ना। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में जैसे भारत में जो है तो यूरोपीय संघ के जो 27 सांसद जो है तो कश्मीर दौरे पर आए हुए हैं, है ना। तो वहीं यदि हम देखें कि वर्तमान यदि पास देखा जाए तो मोदी जी भी सऊदी अरब की यात्रा से हाल ही में लौटे हैं, तो वहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ भी वहां पास जैसे कि देखा कि इस्तीफा की मांग वहां पास पाकिस्तान में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है ना। तो वहीं यदि बात करते हैं कि यदि यहाँ पास इस्लामी स्टेट का जो सरगना बगदादी है उसका भी मारा जाना, यानी कि एक प्रकार से परिस्थितियाँ इस प्रकार से मतलब कि ये वर्तमान परिदृश्य की बात हो रही है, तो इन सभी खबरों का यदि हम एक प्रकार से यहाँ पास से एक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना राइटर के द्वारा, तो वही बातचीत करते हैं कि क्या यह नहीं कि पाकिस्तानी विदेश नीति, या यूँ कहें कि पाकिस्तान की जो भारत नीति है तो पूरी तरह से ध्वस्त सी हो गई है ना। तो यहाँ पर यदि राइटर ने मतलब कि बताया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है तो भारत को हर कदम पे एक प्रकार से काउंटर करने का प्रयास करता रहता है, तो एक प्रकार से चारों खाने से एक प्रकार से चित्त जैसी स्थिति, एक प्रकार से वो पूरी उसकी नीतियाँ जो हैं तो भारत के विरुद्ध जितनी भी थी वो उसको खुद ही उल्टी पड़ रही हैं, है ना। यदि बात करते हैं कि जैसे चाहे मुद्दे की बात करें, जैसे भारत से कश्मीर उसकी जो विदेश नीतियाँ हैं स्पेशली जो पाकिस्तान की बात करें, तो वो तो टोटल भारत के अगेंस्ट में ही ओरिएंटेड होती हैं, है ना। जैसे कि कश्मीर पे फोकस कि कश्मीर को कैसे लेना है, या भारत से बांग्लादेश का बदला कैसे लेना है, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को किस प्रकार से नीचे दिखाना है ना, या भारत की बराबरी करना, यही तो पाकिस्तान के प्रकार से विदेश नीति इसी पे फोकस होती है। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को भी तैयार रहता है। तो उससे जैसे कि मतलब कि जैसे बात करते हैं कि हम उस पर यदि देखें, तो जैसे कि चाहे अमेरिका हो या चीन हो या सऊदी अरब हो या ब्रिटेन हो, यानी कि भारत के अगेंस्ट में तो पाकिस्तान को किसी भी हद तक जाना हो तो वो कुछ भी मतलब कि करने के लिए तैयार ही रहता है। तो टोटल यदि बात करते हैं कि जैसे कि जैसे जम्मू कश्मीर के मामले की बात किया कि जहाँ पर 5 अगस्त को जैसे जम्मू कश्मीर 370-375 को भारत ने मतलब कि ख़त्म किया था, तो इससे तो एक प्रकार से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसका जो है तो बहुत ज़्यादा आक्रोश व्यक्त किया गया इस मामले में। वहीं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जोर शोर से उठाने का प्रयास किया। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र का जो यदि हम रवैया की बात करें तो काफ़ी उसने तटस्थ इसका रिएक्शन दिया,
वहीं जो है तो कश्मीर के भारत का इंटरनल मैटर होने की बात कर मतलब कि इससे उस उधर संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले में मतलब कि यही पुष्टि हुई है, उसने भी मतलब कि भारत के आंतरिक मामला ही से माना। वहीं जैसे कि चीन ने हालांकि उसमें इस मामले में जो तो विरोध जरूर व्यक्त किया था, लेकिन उसने भी अपने अपने हित को ज़्यादा तवज्जो दिया। उसने लद्दाख के मामले में जो है तो फोकस करके ही भारत के अगेंस्ट बातें की थी, है ना। तो इधर बात करते हैं कि इस मामले में भी जब अनौपचारिक वार्ता मामल्लपुरम में जिनपिंग की और भारत के पीएम के साथ हुई थी, तो इस मामले में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते कि सुधार देखने को मिला था, है ना। रवैये में बदलाव भी देखने को मिले हुए थे। वहीं चीन के स्पष्ट समर्थन के बाद इमरान खान को भी चीन के जो उइगर मुसलमान थे उसमें भी एक प्रकार से कहते हैं कि समझौते के तौर पर, जैसे कि भारत के कश्मीरियों की बात की जाए तो जो है तो काफ़ी राग अलापता रहता है कि यहाँ पास जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना, यहाँ शोषण हो रहा है। वहीं जो है तो उइगर मुस्लिम जहाँ पास चीन जो है तो उनके एक प्रकार से एक बंधक टाइप से बना करके और उनको एक प्रकार से उनके धर्मों को वो करता है, तो उसमें जो है तो एक प्रकार से पाकिस्तान जो है तो चुप्पी साध लेता है। तो वही बात है कि दो तरफा रवैया जो पाकिस्तान का है, तो उसके लिए भी इस मामले में जब इस बात करते हैं कि जो सऊदी अरब है तो उसने भी भारत का हालांकि कश्मीर मामले में समर्थन दिया था, इससे भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आघात लगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत का ही पक्ष लिया, है ना। तो यानी कि ज़्यादातर जो मुस्लिम देश थे ना, जिसमें मतलब कि जो जिसका कि पाकिस्तान अपने आप को हिमायती समझता था, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत को ही सपोर्ट किया, है ना। इस मामले में सिर्फ अपवाद के तौर पर यदि छोड़ दिया जाए तो तुर्की और मलेशिया ने हालांकि भारत के विरुद्ध मतलब कि बातें की थी, लेकिन भारत ने इन दोनों को भी एक प्रकार से अपनी करारी प्रतिक्रिया भी दी ना। जिस प्रकार जैसे कि कह सकते हैं कि तुर्की की यात्रा स्थगित कर दिया गया पीएम की, तो वहीं मलेशिया से भी तेल आयात भी बंद करने के जैसे कदम उठाए गए गए, है ना। तो यदि आप देखते हैं कि सऊदी अरब के साथ वहीं सामरिक भागीदारी का भी समझौता मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया भारत के साथ, तो वहीं पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा आघात भी लगा इन मामले में, है ना। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस्लामी देश होने के कारण जो सऊदी अरब से पाकिस्तान के संबंध काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ बने तो रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरह भारत जो है तो उसके सामने मतलब कि एक हीन भावना से नहीं, बल्कि भारत तो वैसे भी भारत और सऊदी अरब का काफ़ी मतलब कि ज़्यादा ट्रेड भी होता है, तो इस मामले में यानी दोनों के हित काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समान ही मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो यदि देखते हैं कि जैसे कि कश्मीर पर भारत के ये जो कदम उठाया गया था, तो जबकि पाकिस्तान जो है तो आंतरिक अपनी मुसीबतों में ही बुरी तरह से फंसा हुआ, उसी ऐतिहासिक उसमें समय में जो है तो ऐसे मामले मतलब कि भारत के द्वारा जो है तो 370 को 35 को ख़त्म किया गया। तो यदि बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं, तो यहीं यदि बात करें तो यहाँ पास FATF में भी जो है तो पाकिस्तान जो है तो एक प्रकार से पाकिस्तान काली सूची में डालने की ही एक प्रकार से सीमा में ही स्थित है ना, कि कभी भी उसको डाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पास जिस प्रकार से जो है आंतरिक राजनीतिक अस्थिरताएं देखने को मिल रही हैं और पूरी तरह से आर्थिक दिवालियापन की स्थिति कगार पर पाकिस्तान जो खड़ा हुआ है, तो इससे जो है तो पाकिस्तान को और भी ज़्यादा मतलब कि समस्याओं का सामना आए दिन करने को पड़ेगा, है ना। वहीं ये बात करते हैं कि जैसे कि वे पाकिस्तान जो है तो खुद ही अपने उस पे शिकंजे में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान में जैसे कि बात करते हैं कि भारत को काउंटर करने की पूरी रणनीति ही रहती है, तो चाहे फौजी हो या चुनाव हो, प्रधानमंत्री हो, है ना, उनकी पूरी जो पूरी पॉलिसी होती है तो इसी पे फोकस ही होती है ना। तो यदि बात करते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान के जैसे प्रमुख विरोधी दल भी अब वहाँ की सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए हैं ना, प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि जमीयत के नेता फजलुर रहमान ना इनके आंदोलन में जो है बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ की पार्टी, एक प्रकार से पूरी विपक्षी पार्टियाँ ही इनके अगेंस्ट में मतलब इनके इस्तीफे की मांग कर रही है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान खुद ही अपनी ही परिस्थितियों से जूझ रहा है ना। इस प्रकार से वहाँ पास आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएँ और वहाँ पास अस्थिरता जो देखने को मिल रही है, तो पाकिस्तान की मतलब की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मतलब और भी दयनीय होती जा रही है। तो वहीं यदि देखते हैं कि अफगानिस्तान के संदर्भ में जहां तालिबान से पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गहरे घनिष्ठ संबंध है, तो वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान का इसीलिए पक्ष लेगा क्योंकि जो है तो तालिबान से समझौते के लिए जो है तो पाकिस्तान एक उसके लिए उम्मीद के तौर पे दिखता है ना। लेकिन कश्मीर के सवाल की बात की जाए तो अफगानिस्तान से जैसे कि
अमेरिका जो है तो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए जो है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि तालिबान से उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब कि घनिष्ठ संबंध है पाकिस्तान के। लेकिन कश्मीर के सवाल पर जो अमेरिका जो है तो एक प्रकार से मानवाधिकार की बात कहकर चुप हो जाता है ना, यानी कि एक प्रकार से कह सकते कि उसका भी एक समर्थन ही है, लेकिन वो पाकिस्तान को संतुष्ट के लिए कभी कभी मतलब कि ऐसी बातें करता है। तो अब यदि बात की जाए कि जैसे बगदादी भी मारा गया है ना, तो ही ट्रंप ने भी पाकिस्तान को एक प्रकार से ये स्पष्ट तौर पे संदेश ही दिया है कि जो अमेरिका है तो दहशतगर्दियों को बिल्कुल साथ नहीं देता है ना, यानी कि उन्हें बर्दाश्त आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, एक प्रकार से स्पष्ट संदेश के तौर भी पाकिस्तान को दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अब यदि बात करते हैं कि जैसे कि हम देखें कि विदेशों में रहने वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भी जो है तो इस नई अंतर्राष्ट्रीय हवा से एक प्रकार से परे ही हैं, क्योंकि वो जैसे लंदन वाशिंगटन में भी कश्मीर के सवाल पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करते रहते हैं, है ना। तो जैसे कि देखा गया कि लंदन में भी लगभग 40,000 लोगों के आने का ऐलान हुआ था प्रदर्शन में, तो लगभग बहुत ही कम लोग आए थे, यानी वहाँ पास भी लगभग लगभग जो है तो मतलब कि लोगों में कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है तो ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, है ना। अब जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पर राइटर ने मतलब अपनी ही बात ही बात बताई है कि जैसे कि पाकिस्तान जो है तो वहाँ के लोग जो हैं तो हर हर जगह जो है तो एक ही चीज़ पे फोकस है, कश्मीर के ही मुद्दे को लेकर के बातें करते रहते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं कि वहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान पत्रकारों ने भी उनसे राइटर से पूछा कि जैसे कश्मीरों की जुबान पर लगे मतलब ताले क्यों लगा आपने, मतलब उनके जुबान पर ताले क्यों लगा रहे, उनके उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है ना। तब उसके जवाब में मतलब कि काफ़ी अच्छा यहाँ पास उन्होंने मतलब बताया कि जैसे कि एक कह सकते इसको व्यावहारिक ढंग से बात कर सकते हैं कि तो उन्होंने इसका बहुत ही बेहतरीन और रोचक ढंग से जवाब भी दिया कि जैसे कुछ कश्मीरी नेताओं को तत्काल जुबान चलाने की छूट दे दी जाती तो पता नहीं कितने कश्मीरियों का जीवन चला जाता, यानी कि एक प्रकार से इसको कह सकते कि भारत की पॉलिसी भी है ना, इसको हम एक प्रकार से इसको माना भी जा सकता है, क्योंकि भारत इसी पे मतलब कि फोकस है, ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ ही लोग होते हैं जो कि पूरे कह सकते समाज में अस्थिरता फैला देते हैं, एक प्रकार से समाज का जो परसेप्शन होता है उसको ही डाइवर्ट कर देते हैं, है ना, तो नकारात्मकता को ज़्यादा वो कर देते हैं। तो यही बातें तो इससे तो अच्छा है कि मतलब कुछ लोगों को शांत ही रखा जाए, है ना। तो यदि बात करें कि जैसे कि अब वहाँ पर धीरे धीरे जैसे हालात काफ़ी ज़्यादा सुधार होते दिख रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज बाज़ार है ना खुल रहे हैं, वहीं इंटरनेट फ़ोन भी मतलब कि धीरे धीरे चालू हो रहे हैं, तो ऐसे में जैसे यूरोपीय देश के सांसद भी कश्मीर दौरे पे मतलब कि गए हैं, तो उसमें भी जब जैसे कि भारतीय नेता तो पत्रकारों को भी एक पास से कश्मीर जाने की छूट दे दी गई है, तो इससे जो है तो जैसे धीरे धीरे वहाँ के जो हालात हो रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सामान्य हो रहे हैं। तो अब जैसे कि कश्मीर पर दुनिया की जो रवैया है, जो पाकिस्तान का भी मनोबल टूट चुका है, क्योंकि वो देख रहा है किस प्रकार से मतलब कि पाकिस्तान पे भारत जो है तो किस प्रकार से धीरे धीरे मतलब कि छूट देना चालू कर रहा है ना, जिस प्रकार से पाकिस्तान एक प्रकार से इसको अपने औजार के रूप में हथियार के रूप में प्रयोग करके पूरे उसमें हर मंच पे उठाने रोना रोता था, तो अब उसको मतलब कि ये मुद्दा ही उसके उस पर मतलब गायब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो सोच रहा था तो उस तरह की हालात यहाँ पास नहीं निर्मित हुए, है ना। तो अब जैसे कि कह सकते हैं कि कश्मीर जैसे मुद्दे पे जो है तो काफ़ी ज़्यादा उसको मुँह की ही खानी पड़ी, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जैसे लगभग 3 महीने कश्मीर में जो है तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल सी स्थिति, शांति सी स्थिति रही, वो भी काफ़ी ज़्यादा विलक्षण ही है ना। अब जैसे कि वहाँ पास आतंकी घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा कम होती दिख रही हैं, वहीं जो वहाँ के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक है निश्चित तौर पर उनको भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन आपातकाल में भी कश्मीर को किस प्रकार से उन्होंने सरकार मतलब कि उनकी सरकार ने मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन बेहतर तरीके से उन्होंने समन्वय स्थापित किया है ना। वहीं 35A का सवाल जहाँ पास है तो वहाँ पर सरकार को उसका विकल्प भी ढूंढने की बात यहाँ पर राइटर ने की है कि जैसे कश्मीर को तो हमें कश्मीर बनाए ही रखना है, यानी कि उसी कश्मीर की कश्मीरियत को बनाए ही रखना है ना, न कि उसे नोएडा गाजियाबाद में बदल देना है, क्योंकि ये वहाँ की अपनी संस्कृति है ना, वहाँ की अपनी भी जो भी चीज़ें हैं तो परंपराएं हैं रीति रिवाज रहन सहन, तो उनको भी एक प्रकार से जीवंत रहने देना है, वहाँ पर ज़्यादा मतलब कि वैसे मतलब नहीं करना है ना। तो यहाँ पर हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने भी इस मामले में आश्वस्त भी किया कि कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है, तो यदि कश्मीर लोग यदि
वापस कश्मीर में शांतिपूर्वक स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पे जो है तो वहाँ हालात और भी मतलब तीव्रता के साथ सामान्य भी होंगे, और साथ ही साथ जो है तो इससे आगे भी ये बात के जहाँ पास पाकिस्तान का जो POK है तो वो भी मतलब कि इन दोनों इंक्लूड करके भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रकार से सद्भाव का सेतु ही बन सकते हैं, है ना। तो दोनों देशों के बीच जो कश्मीर को खाई बनाए रखने वाला पाकिस्तान का जो खेल है तो एक प्रकार से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है ना। तो यानी कि यहाँ पास जो है तो मतलब कि इस आर्टिकल में नहीं चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि रोजगार संकट का संकेत संबंधित आर्टिकल है कि यदि हम बात करते हैं, हालांकि रोजगार जैसे इस मामले में बात करते हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर तो चल ही रहा है, न केवल भारत बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं ना। वहीं यदि बात करते हैं कि इसमें जैसे काफ़ी ज़्यादा भविष्य में तेज सुधार की कोई ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो, वहीं जैसे वाहन बिक्री जैसे शीर्ष संकेतक जो है थोड़ा सा कुछ मतलब कि इसको उत्साहजनक बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ज़मीनी हालात इससे भी मतलब अलग है ना। जैसे कि मनरेगा के अधीन रोजगार पाने के लिए युवाओं की लगातार एक प्रकार से बढ़ती कतार को देखा जाए तो, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2018-19 में मनरेगा में काम करने वाले लगभग 18 से 30 वर्ष के जो श्रमिक हैं उनकी संख्या लगभग 70.7 लाख पहुँच गई, जबकि यही 2017-18 में ये केवल 58 लाख थी, यानी कि कितना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। वहीं 2013-14 के बाद इन आंकड़ों में लगातार गिरावट आई थी, लेकिन चालू वर्ष में लगातार बड़ी तादाद में लोग इसके तहत रोज़गार चाह रहे हैं। हम लोगों ने अपनी कल पिछले डिस्कशन में भी इस बारे में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा विस्तार से देखा किस प्रकार से जो है तो मनरेगा में जो है तो युवा वर्ग का जो है तो रोज़गार की कमी के कारण जो है तो पलायन मतलब कि मनरेगा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर इसको संकट कहा जा सकता है कि रोज़गार की समस्या जो तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से चुनौती के रूप में उभर कर आई है ना। तो इस बदलाव की वजह की यदि जाँच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस रोज़गार गारंटी योजना में लगभग 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों का बढ़ता नामांकन प्रथम दृष्टया तो यही बताता है कि रोज़गार के अवसरों की बहुत ज़्यादा कमी है ना। वहीं देखते हैं कि अप्रैल जून तिमाही का जो सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ा है तो उससे भी ये बात सामने आती है कि विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि है वो भी एक प्रकार से घट गई है, लगभग घट करके 5.7% रह गई है। तो वहीं जो विनिर्माण क्षेत्र का जो विस्तार है वो भी गिर करके लगभग लगभग 0.6% तक रह गया है। निश्चित तौर पर इस मामले जो कि यदि बात करते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र भी भारत की मतलब रोज़गार का एक बहुत बड़ा मतलब कि क्षेत्र माना जाता है, तो ये जब इनकी भी वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा प्रकार से तीव्रता के साथ घट रही है तो निश्चित तौर पर रोज़गार इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब इन क्षेत्रों में जो कमज़ोर गतिविधि और श्रम की खपत कर पाने में भी इनकी अक्षमता के कारण जो तो युवाओं ने मनरेगा के तहत रोज़गार के लिए प्रयास शुरू किया, इसके कारण ये भी हो सकता है कि इनमें भी मतलब कि कितनी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। वहीं आशंका यह भी है कि कृषि क्षेत्र की जो समस्याओं ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की मांग को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, कृषि से समस्या भी इसके लिए कारण के तौर पे देखा जा रहा है ना। वहीं यदि बात करते हैं कि इसका एक और अहम पहलू पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जैसे नीति आयोग का 2017 का एक प्रपत्र दर्शाता है कि ग्रामीण भारत की जो लगभग 2/3 जो आय है वो अब गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब यदि देखते हैं कि जो पहले तो विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का लगभग आधा उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो लगभग लगभग ये 2/3 लगभग 66% जो ग्रामीण आबादी है तो उसकी जो है आय होती है वो गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है, यानी कि कृषि गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है। अब उसमें से भी किस में इन्वॉल्व है, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को में लगभग लगभग उसका 50% उत्पादन होता है। अब इसी में मतलब कि मंदी भी देखने को मिल रही है, यानी कि इनमें कमी देखने को मिल रही है विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे यही जो है तो ग्रामीण लोग जो है तो मनरेगा की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि विनिर्माण निर्माण में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो वही देखते हैं कि सेवा क्षेत्र के उत्पादन में भी लगभग काफ़ी ज़्यादा इनकी अहम हिस्से इस क्षेत्र की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयाँ अपने आकार के कारण और वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने के चलते नुकसान उठा रही है। निश्चित तौर पर ये देखते हैं कि इसके लिए जो है तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसी जो मतलब किया गया है तो उससे भी जो है तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा मतलब हालात और भी बदतर हो गए हैं, है ना। यदि ग्रामीण इलाकों में यदि विनिर्माण इकाइयाँ जो है तो पूंजी आधारित हैं लेकिन उत्पादन का दबाव जो है तो रोज़गार पर
बहुत ही असर डालता है निश्चित तौर पे, है ना। अब यदि हम व्यापक स्तर पर देखें तो अर्थव्यवस्था के जो रोज़गार तैयार कर पाने संबंधी जो अक्षमता है उसकी दीर्घकालिक असर होने वाले हैं। जैसे कि बात की कि आर्थिक समीक्षा में भी दर्ज किया गया है ना कि देश जो है तो जनसंख्या बदलाव से गुजर रहा है, तो ये देखते हैं कि श्रम और योग्य आबादी का अनुपात बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर जो है तो जो श्रम योग्य आबादी है तो काफ़ी ज़्यादा उसकी भी मात्रा बढ़ रही है ना, तो रोज़गार तो सीमित ही हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे जो ये भी एक कारण है कि इसके कारण भी जो है तो रोज़गार के अवसर कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं अनुमान ये भी है कि 2021 से 2031 के बीच श्रमिक उम्र की जो आबादी में सालाना लगभग 57 लाख की दर से इजाफा होगा, है ना। वहीं बाद के वर्षों में वृद्धि में एक प्रकार से कमी देखने को मिलेगी, है ना। वहीं बात करते हैं कि भारत इस अवसर को यूँ ही गंवा नहीं सकता, यानी कि भारत जो है तो अपनी जनसांख्यिक लाभांश से मतलब कि कहीं चूक ना जाए, तो निश्चित तौर पर जैसे बिना पर्याप्त रोज़गार तैयार किए इस बढ़ती श्रम योग्य आबादी का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़गार मतलब कि जब तक हम रोज़गार ज़्यादा सृजित नहीं करेंगे तो ये अपनी श्रम योग्य आबादी का जो भारत ये अपना यथोचित लाभ नहीं ले पाएगा निश्चित तौर पर, है ना। अब यदि बात करते हैं कि जी जैसे अधिक निवेश की इसके लिए ज़रूर आवश्यकता तो होगी तभी ज़्यादा मतलब कि उद्योग खुलेंगे और जिससे ज़्यादा रोज़गार सृजित होंगे जिससे, है ना। तो इस संदर्भ में सरकार ने भी कॉरपोरेट कर में हालांकि कुछ सुधार करने का प्रयास किया है, जैसे कॉरपोरेट कर में कटौती का लगभग 17% तक इसको किया गया है। वही बीते कुछ वर्षों के दौरान जैसे भारत विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी लगभग अभी हाल की बात की जाए तो भारत ने इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किए हैं, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि विश्व बैंक के यदि अध्यक्ष हालांकि डेविड मालपास ने के यदि बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि भारत को अभी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, है ना। ख़ास तौर पर उसमें से भूमि प्रबंधन और अनुबंध प्रवर्तन के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में मतलब कि भारत को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रयास करने की ज़रूरत है, है ना। तो वहीं बात करते हैं कि ऐसा करके ही निवेश आकर्षित किया जा सकता है। तो हालांकि देखते हैं कि ऐसे सुधारों की गति जो है तो मतलब कि इन्हें मतलब तीव्रता लानी होगी, वहीं केवल उच्च निवेश और तेज वृद्धि से ही रोज़गार के पर्याप्त अवसर तैयार हो सकते हैं, है ना। यदि हमें ज़्यादा रोज़गार सृजित करने हैं तो निश्चित तौर पे इसके लिए हमें निवेश को ज़्यादा बढ़ाना होगा, और निवेश जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा उद्योग ज़्यादा कारखाने खुलेंगे, है ना। जब ज़्यादा कारखाने खुलेंगे तो ज़्यादा मतलब कि लोगों की रोज़गार भी ज़्यादा सृजित होंगे, और इसके साथ साथ ही मांग को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी भी देखने को मिली कि अर्थव्यवस्था में मंदी का एक प्रमुख कारण जो है तो मांग की कमी भी देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से जो है तो सरकार को इस दिशा में काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है, है ना। क्योंकि निवेश भी तभी तब नहीं आते हैं जब मांग ही नहीं होगा, है ना। जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर निवेश भी कैसे मतलब कि कोई कैसे कारखाना खोलेगा, कोई प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इस दिशा में मतलब कि सरकार को मतलब काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है, तभी जो है तो निश्चित तौर पे रोज़गार के ज़्यादा अवसर देखने को मतलब कि सृजित होंगे, है ना। जो कि परिस्थितियाँ युवक श्रमिकों को मनरेगा में जाने के लिए मजबूर कर रही हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मतलब अच्छी खासी जो श्रमिक मतलब योग्य युवा वर्ग है तो यदि वो मनरेगा में ही चला जाएगा तो फिर तो हम एक कह सकते हैं कि बेहतर जो कार्यबल है उसका हम सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे ना। और भारत के मतलब कि वो कार्यबल जो तो भारत के उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सहायक सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि बगदादी की मौत के माने संबंधित आर्टिकल है। ये जैसे कि बात करते हैं कि अभी हाल ही की बात की जाए तो ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी, उसको अमेरिका ने जैसे कि इदलिब शहर में मारा है। तो ये जो सरगना है तो दुनिया का नंबर एक प्रकार से वांछित आतंकवादी भी था, है ना। और वो एक प्रकार से अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। तो इस बात में मतलब कि इसमें समझा जा सकता है कि जब खलीफा का अंत हो जाए और उसने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा ना की हो तो उसके कथित जिहाद को कितना बड़ा झटका आएगा निश्चित तौर पर। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार ये बात की है तो उसने अपने मतलब उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी, है ना। इसमें उसने अपने अब्दुल्ला करदास को नया सरगना घोषित किया था ना। तो यदि बात करते हैं कि जैसे बगदादी की मौत से निश्चित तौर पर सीरिया और इराक में गंभीर असर पड़ेगा, है ना। जहाँ उसके मुख्यालय यहाँ पास रहे हैं पूरे सीरिया और लगभग इराक में भी उसने काफ़ी कब्जा कर लिया था पहले, है ना। तो यदि हम देखते हैं कि मतलब बगदादी के आखिरी वक्त के विश्लेषण से आईएस की कई रणनीतियों के संकेत भी मिलते हैं ना। अमेरिकी मतलब कि ट्रंप की घोषणा के मुताबिक उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीरियाई प्रांत इदलिब के
बारिशा कस्बे में इसे मार गिराया था। अब यदि हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, इदलिब का जो मतलब कि उत्तर पश्चिमी सीरियाई प्रांत है, तो इसमें ये इलाका जो है तो अलकायदा के सहायक संगठन हुर्रास अल दीन का गढ़ माना जाता है, ठीक है। और आईएस का जो जन्म है तो बेशक अलकायदा के ही उससे हुआ था, कोख से हुआ था, लेकिन बाद में दोनों संगठनों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिले थे, तो दोनों मतलब एक दूसरे को ही टारगेट करने लगे थे, तो नुकसान पहुंचाने लगे थे। बगदादी का इदलिब आना ये बताता है कि निश्चित तौर पर इन दोनों फिर से कह सकते हैं कि निकटता आ रही थी, है ना। और कह सकते हैं कि जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पास जो तो मतलब आईएसआईएस का जो कब्जा था, तो पहले पूरे सीरिया और इलाक एरिया में किस प्रकार से था, तो वहीं सिमटता हुआ आज यदि आईएसआईएस की बात किया जाए तो उसका जो सरगना है, तो इदलिब को आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो तो यहीं पास जो है तो इदलिब में जो तो अब ये जो आईएसआईएस का जो मतलब कि सरगना था, तो ये मारा गया है अबू बर अकल बगदादी। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पास देखें कि अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में दहशत फैलाने में जो जुटी वैश्विक जिहादी जो तंजीम है, तो जो कि देश अब तक मदद करते हैं वे भी इनके खिलाफ़ हो गई, ये महत्वपूर्ण है ना। जैसे कि ये बात करते हैं कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ, जैसे हम बात करते हैं अमेरिका को ही देख लिया जाए, है ना, या रशिया को देख लिया जाए, तो ये जो है तो बड़ी शक्तियाँ हैं, ये इन यही जो है तो इन आतंकियों को पोसती हैं शुरू में अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए, आर्थिक हितों के लिए, और उसके बाद जब यही जो है तो एक प्रकार से शिफ्ट होती हैं, है ना, तो इनका जो है तो एक प्रकार से बड़े लेवल पे जब ज़्यादा मतलब कि खतरनाक साबित होने लगते हैं, है ना। तो यदि बात करते हैं कि अब निश्चित तौर पे जो है तो ये किसको सकारात्मक संकेत माना जा सकता है कि अब ये जो है तो जो बड़ी शक्ति हैं, तो ये भी जो है तो आतंकियों यदि वैश्विक जिहादियों के खिलाफ हो गई हैं। वहीं पश्चिम एशियाई देशों की सेनाएं भी अब इन संगठनों के खिलाफ सक्रिय हैं, है ना। वहीं सऊदी अरब की फौज यमन में, जो तुर्की की सेना सीरिया में हम तो वहीं तुर्की की सेना सीरिया में भी हमलावर देखने को मिल रही है, तो ईरान भी जंग में उतर ही चुका है। तो इसका अर्थ ये है कि पश्चिम एशिया के ये देश अपनी फौजों को सीधे सीधे इन गुटों के खिलाफ ही उतार रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर ये स्पष्ट होता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगे हैं, है ना। वहीं देखें कि जैसे श्रीलंका में बीते अप्रैल जब सीरियल बम धमाके हुए थे, तो आईएस ने 2 दिनों के बाद हमले की जिम्मेदारी ली थी, और ऐसा कोई प्रत्यक्ष वीडियो भी उसने नहीं जारी किया था कि जो अपने दावे की पुष्टि करता हो, है ना, जैसा कोई पहले करता ही रहता था, है ना। जैसे कि बात करें कि सर कलम करने की वीडियो हो पत्रकारों की, या कि और भी मतलब कितने ज़्यादा बहसी या बर्बर तरीके से वीडियो जारी करता था, तो उस प्रकार के मतलब कि इसके कमज़ोर होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। वहीं स्पष्ट है कि सीरिया में इसका नियंत्रण बुरी तरह से तबाह भी हो चुका था, और बगदादी की मौत से इसकी सांगठनिक हैसियत भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती दिख रही थी ना। तो बगदादी के अंत के साथ आईएस का भी खात्मा हो गया है कि ऐसा मतलब यहाँ पास क्वेश्चन रेज किया गया है, तो फिलहाल इसका सटीक जवाब तो निश्चित तौर पर नहीं दे सकता कि नई परिस्थिति में संभव है कि इससे जुड़े संगठन अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करें, है ना। अभी भले ही निश्चित तौर पर उनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, लेकिन अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए वे किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि आतंकवाद को लेकर के ठोस रूप में ज़्यादा भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि इनका चरित्र अनुमानों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। जैसे जब तब भी मौजूदा परिस्थिति ये बता रही है कि जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों पर प्रहार बढ़ा है, और ये जमातें जो तो आपसी मतभेदों को ख़त्म कर किसी भी तरह से एक होने की भी कोशिश कर रही हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ आईएस पर ही चोट करने से वैश्विक आतंकवाद का अंत नहीं हो जाता है ना। इन संगठनों का एक और चरित्र हम ये देखते हैं कि जैसे जब कभी सीरिया में इनको ज़्यादा मतलब कि बड़ा आघात लगता था, वो क्या करती थी कि दूसरे मुल्कों पे ज़्यादा अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर देती थी, है ना। और इसके पीछे ये इनका मकसद होता था कि अपने समर्थकों को इस बात का एहसास दिलाना कि हम कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि हमारी संगठन और विचारधारा काफ़ी ज़्यादा और सशक्त और मजबूत हुई है ना। तो इसीलिए जो बगदादी के मौत के बाद संभव हो कि दुनिया भर में जिहादी गतिविधियाँ तेज़ हो जाएँ, ऐसा भी हो सकता है ना। साथ ही भारत को भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में भी इस तरह के मतलब कि खतरे की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि इसी साल जो है तो मार्च में जब आईएस सीरिया के बगोज में अपनी पकड़ खो रहा था, यानी कि बगोज इसका अंतिम जो इलाका था, जब ध्वस्त ध्वस्त हो रहा था, तब उसके 1 महीने के बाद उसने श्रीलंका में एक प्रकार से सीरियल बम धमाके किए थे, है ना। तो यानी कि वहाँ से वो तो कमज़ोर हो रहा था, लेकिन श्रीलंका में किस प्रकार से वो एक्टिव है, तो यहाँ पास हम ये भी देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से उसकी जड़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, वो अभी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय ही देखने को मिल रहा है। तो इस बार भी बगदादी की मौत के बाद वह कुछ करने की योजना बना सकता है ना, तो इससे जो है तो सतर्क रहने की जरूरत है। अब यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि
जरूरी यह भी है कि वैश्विक आतंकी संगठनों को अलग अलग बांट करके निशाना बनाने की बजाय इन्हें एक प्रकार से एक मान करके ही उनको उन पर हमला बोलने की ज़रूरत है ना। जैसे IS, अलकायदा, किसी भी अन्य जिहादी समूह को अब एक मानना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि ये जो है सभी एक प्रकार से खुद भी एकजुट होने लगी हैं। आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि सभी इकट्ठा हो जाएं। तो एक बात की जाए कि जब ये जो है तो आतंकी गुट इकट्ठा हो जाएंगे तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है ना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बगदादी की मौत के बाद IS भी अलकायदा की ही राह में बढ़ता दिख रहा है ना। यदि हम अलकायदा की बात करें तो अलकायदा जो है तो जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था है ना, जिसे कि 2011 में अमेरिका ने ही ड्रोन हमले में एबटाबाद में मारा था है ना। तो यदि बात करते हैं कि उसी के नक्शे कदम पे ये तो IS भी बढ़ रहा है ना। बेशक इसके नए सरगना की घोषणा कर दी गई हो लेकिन बताया जा रहा है कि परोक्ष रूप से अब्दुल्ला करदास जैसे इसका संगठन चला रहा है इसको, मतलब कि कुछ मतलब ऐसे भी न्यूज़ में लिखते हैं कि इसको उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसके पास ऐसा कोई अड्डा या तंत्र नहीं बचा है जिससे कि अपनी देश दुनिया में ज़्यादा सक्रियता को बढ़ा सके। लेकिन संभव ये भी कि भविष्य में इसी कोई नए गुट के रूप में भी ये मतलब फिर से उठ सकता है, तो जो कि मतलब कि इसी संगठन से निकला हुआ माना जा सकता है। तो इस्लामिक स्टेट के सरगना का मारा जाना है ना पूरी दुनिया के लिए राहत की एक बड़ी खबर तो है। यहाँ तक कि किसी पश्चिम यदि हम पश्चिम एशिया के संदर्भ में बात की जाए तो उसमें भी जहाँ पास एक प्रकार से पूरी तरह से ये इराक और सीरिया में फैला हुआ था, साथ ही इस्लामिक रीति नीति से चलने वाले जो और भी इस्लामिक देश है वहीं बगदादी ने जो एक प्रकार से पागलपन पैदा किया था है ना, कि जिसका पहला खतरा तो ये इन्हीं देशों पे ज़्यादा था कि एक प्रकार से वो धर्म के नाम पे किस प्रकार से लोगों को बरगला करके और शामिल करता था, इसे ज्वाइन करवाता था है ना। लेकिन इस्लामिक स्टेट का खतरा सिर्फ इसी तक सीमित नहीं था, वो तो एक प्रकार से कई नए नए तरीके से पूरी दुनिया को घेर रहा था। एक छोटे से दौर में इसने तो पूरी दुनिया के लगभग नवयुवकों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका के आधुनिक समाज के लोग भी इससे जुड़ने लगे थे है ना। तो वहीं भारत के भी कुछ नौजवान इसमें मतलब शामिल हो रहे थे इसके जाल में फंस करके। तो इस मामले में भी राहत देखने को मिल रही है कि इराक और सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट का एक प्रकार आधार भले ही ख़त्म होने लगा था लेकिन उसका जो काला झंडा है, काला झंडा उसका जो प्रतीक था तो अलग अलग हिस्सों पर भी देखने को मिल रहा था है ना, उभर रहा था। तो और तो हमारे जो पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक बात की है तो यहाँ तक भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखने को मिल रहे थे IS। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बगदादी की मौत से उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा न्याय ही मिला होगा जिनका उसकी फ़ौज ने बड़ी ही निर्ममता से एक बार से हत्या की थी, वहीं उन औरतों को भी न्याय मिला होगा जिनसे कि उनके गुर्गों ने एक प्रकार से बलात्कार ऐसे घिनौने कृत्य किए थे। तो वही मतलब कि उन पत्रकारों को भी जिन्हें रिपोर्टिंग के समय जिन्हें एक प्रकार से जिनके सिर कलम कर दिया गया तो निश्चित तौर पर उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इससे राहत मिली होगी। वही इसके आगे यदि असल सवाल फिलहाल ये भी है कि क्या इसके बाद दुनिया उस आतंक से मुक्त होने की ओर बढ़ेगी जो इस समय हम सब की पहली ज़रूरत भी है और पहली संभव मुराद भी। कुछ साल पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान में अलकायदा के मतलब कि जो सरगना था ओसामा बिन लादेन तो उसको जब मारा था तब भी इसी प्रकार की उम्मीद बंधी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं था है ना। महत्वपूर्ण ये भी है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट लगभग एक जैसे हालात की ही उपज थे है ना। पहले क्या होता था इनमें ये किस प्रकार से मतलब कि पले पोसे गए थे, पहले सोवियत संघ और फिर अमेरिका है ना, इनके अफगानिस्तान के बीच का मतलब दोनों ये जो शक्तियाँ थी तो मतलब आती जाती हैं और इन्हें के बीच जब ये आती हैं और जाती हैं तो इनके बीच एक गैप क्रिएट होता है ना। तो जब मझधार में छोड़ने से ही तो एक प्रकार से गैप जो पैदा होता है तो उसी में ये तो इन आतंकी शक्तियों का एक प्रकार से जो है तो जन्म होता है और अलकायदा भी इसी की एक प्रकार से उपज भी थी। तो इस्लामिक स्टेट भी इसी तरह से मतलब के अस्तित्व में आया था। तो जो ताकतें बाद में सबसे बर्बर आतंकी संगठन भी बनी हैं तो महाशक्तियाँ कभी उन्हीं की एक प्रकार से हम मतलब सहयोगी भी थी है ना। तो बगदादी का अंत जो है तो निश्चित तौर पर महाशक्तियों के लिए एक प्रकार से अपने गिरेबान में झांकने का भी एक वक्त भी है ना। हम पास एक प्रकार से रडर ने क्वेश्चन भी रेज किया है कि निश्चित तौर पर जो तो विश्व शक्ति जो कि उनकी मतलब कि अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं निश्चित तौर पर उन्हें भी एक प्रकार से स्वयं का आकलन करने की ज़रूरत है कि इस प्रकार से जो तो इतनी वैश्विक स्तर पे इतनी बर्बर जो मतलब कि संगठन है तो ये सक्रिय होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनका इनकी इन विश्व शक्तियों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें है ना। धन्यवाद।